ये झगड़ा इस्लामाबाद पिंडी और लाहौर का है, हमारा झगड़ा नहीं है। आप देखें हमारी तरफ एक दिन भी नहीं आया है मिस्टर खान, क्योंकि उसको पता है कि बलूचिस्तान की हालत ठीक नहीं है। हमारे हमारे मंतके में, हमारे इलाके में, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक चल रही है। कोई दहशतगर्दी, कोई दहशतगर्दी, दहशतगर्दी कहो, पाकिस्तानी फौज कहती है दहशतगर्दी नहीं, वहां आजादी की तहरीक चल रही है। पश्तूनों की तरफ भी इसी तरह आजादी की तहरीक चल रही है कि ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वगैरह, मैंने सुना कि उनका मैंडेट, दे हैव बीन मैंडेटेड बाय हूम आई डोंट नो, उन्होंने कहा कि हम पश्तून इलाकों को हम अलहदा करना चाहते हैं। ड्यूरिंग लाइन लव बार अफगान, ये तो नारा है। अगर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि मैं बंदूक और तोप के जरिए से मैं ठीक करूंगा, हालात कब्जा करूंगा, नहीं, इस तरह अगर होता सल्तनत उस्मानिया का बहुत बड़ा फौज, रोमन्स का बहुत बड़ा फौज, अमेरिका का, सोवियत यूनियन का, जिसका भी आप देखिए, मंगोल्स का, लेकिन उन्होंने तबाही तो मचा दी, उन्होंने किसी पे किसी कहीं हमला आवर हुए, उन्होंने तबाही मचाई, लेकिन कुड दे कंट्रोल दैट रीजन? नो, दे कुड। आज भी हम कहते हैं कि फौज की ताकत से आप भी कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हजारों लोग घूमे, खाली बलोच नहीं है उसमें पश्तून भी है। अभी 6 महीने की बात है, हमारे कानून जी से एक काकड़ को उठा लेंगे। हमारा जो काशी, हमारा अजीज उबैदुल्ला, अच्छा जिन्होंने उबैदुल्ला को अगवा किया वो आईएसआई के लोग हैं। जिस दिन तालिबान उधर कंधार को उन्होंने कब्जे किए तो ये सारे तालिबान के जुलूस निकाल रहे थे। इस तरह मतलब रियासतें इस तरह चलती हैं? नहीं, रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं।